अस्सलाम वालेकुम। इस गर्मियों में हम लेकर आए हैं बग़ैर केमिकल के बहुत ही मज़ेदार इमली आलू बुखारे का शरबत। एक बार इसको आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़ा आने वाला है। तो आइए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट और ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले यहाँ पर हमने 150 ग्राम आलू बुखारे लिए हैं, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश बेहतरीन से आलू बुखारे लिए हैं। और उसके साथ हमने लिए हैं 300 ग्राम इमली, ये आप देख सकते हैं 300 ग्राम इमली और 150 ग्राम आलू बुखारे की। अब सबसे पहले इसको एक बाउल में डाल देते हैं, इमली और उसके साथ आलू बुखारे भी। यहाँ पर हम इसमें 1 लीटर के करीब पानी शामिल कर देते हैं। एक से 1.5 घंटे के लिए हमने इसको कवर करके रख दिया था। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, अच्छी तरह से पानी इसमें जज़ब हो चुका है, बिल्कुल नरम हो चुके हैं। अब यहाँ पर इस तरह का कोई बर्तन आप लें और सबसे पहले हम इन तमाम चीज़ों को देचकी में डाल देते हैं और साथ ही हमने 1/2 लीटर मज़ीद पानी इसमें डालना है। तीन सौ ग्राम इमली और 150 ग्राम हमने आलू बुखारे शामिल कर दिए थे, उसी का हम वज़न हमने इसमें चीनी शामिल करना है। इसको आप ज़्यादा या कम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, हमने यहाँ पर बराबर बराबर लिया है। अब चूल्हे के ऊपर इसको चढ़ाते हैं। हमने इसको इतना पकाना है कि ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाए, अच्छी तरह से तमाम चीज़ें मिक्स हो जाए इसमें। अब मज़ीद 5 से 10 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि इसके तमाम पल्प इसमें मिक्स हो जाएं, हल हो जाएं। ये आप देख सकते हैं गाढ़ा हो चुका है। अब इसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। इस तरह का हमने एक बर्तन लिया है, इसके ऊपर छाननी रख देते हैं और इन तमाम चीज़ों को अब इसमें छान लेते हैं। मज़ेदार सी खुबानी का शरबत बनाने की रेसिपी देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, आप ज़रूर इसको जाके विज़िट करें। इस पल्प को हमने फेंकना नहीं है, दोबारा इसमें पानी डालकर अच्छी तरह से छान लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत सारा पल्प इसके साथ लगा हुआ था, अच्छी तरह से इसको हमने छान लिया है। अब यहाँ पर अचानक इसमें मसाले जाएंगे। 1/2 टीस्पून हमने इसमें नमक शामिल कर दिया है, 1/2 टीस्पून काला नमक, ये बहुत बेहतरीन जायके के लिए आप ज़रूर इसमें यूज़ करें। 2 से 3 टेबलस्पून हमने इसमें लीमू का रस डाल लिया है, ये इसकी लाइफ को बढ़ाएगा। 10 से 15 दिन आसानी के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की आप बोतल वगैरह लेकर उसमें भर के रख दें। अब शरबत तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने थोड़े से आइस क्यूब लिए हैं और 3 से 4 अदद हमने आलू बुखारे के दाने डाले हैं और इसमें हम शरबत डालेंगे। और इसमें आप पानी शामिल कर देते हैं। बेहतरीन सा रिफ़्रेशिंग सा हमारा इमली आलू बुखारे का शरबत बिल्कुल तैयार हो चुका है। एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई करें, गर्मियों के लिए लाजवाब है। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।